असलामुअलैकुम, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और मर्द हुआ हमेशा खुश रहे, इसके और मुस्कुराते रहे और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखा। बिल्कुल, मैं हूं गुलकार साहब। मैं और तारिक महमूद। मैं मुहम्मद यकूब। तो आज हम जिस वीडियो पे बात करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी स्पीच एट यूट्यूब फैन। तो आज भाई साहब यूट्यूबर है, हम भी थोड़े बहुत छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे क्या मैसेज है पीएम मोदी का और अपना रिव्यू पर देंगे। काउंटर करते हैं 3-2-1, वीडियो स्टार्ट। मेरे साथी यूट्यूबर्स, आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं भी आपके जैसा ही हूं, अलग थोड़ा हूं। 15 वर्षों से मैं भी एक YouTube चैनल के जरिए देश और दुनिया के साथ कनेक्टेड रहता हूं। मेरे पास भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और उनका एक डिसीजन नंबर है। मुझे बताया गया है कि आज यहां करीब 5000 क्रिएटर्स, एस्पायरिंग क्रिएटर्स, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है। फ्रेंड्स, मैं वर्षों से ये देखता रहा हूं कि कैसे आपका कंटेंट देश के लोगों को इम्पैक्ट करता रहता है, और हमारे पास एक मौका है कि इस इम्पैक्ट को हम और इफेक्टिव कर सकते हैं। हम एक साथ मिलकर देश की बहुत बड़ी आबादी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम एक साथ मिलकर कितने ही लोगों को और सशक्त कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। जब मैं देश की इतनी बड़ी क्रिएटिव कम्युनिटी के बीच में हूं, तो मेरा मन करता है कि मैं आपसे कुछ विषयों पर बात करूं। ये विषय ऐसे हैं जो मास मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। देश की जनता की शक्ति इनकी सफलता का आधार है। पहला विषय है स्वच्छता। पिछले 9 सालों में स्वच्छ भारत एक बड़ा अभियान बना, सभी ने अपना योगदान दिया। बच्चों ने इसमें एक इमोशनल पावर ला दी, सेलिब्रिटीज ने इसको ऊंचाई दी, जन जन ने इसको भारत के कोने कोने में एक मिशन बना दिया, और आप यूट्यूबर्स ने क्लीनलीनेस को और कूल बना दिया। लेकिन हमें रुकना नहीं है। जब तक ये स्वच्छता भारत की पहचान न बन जाए, हम रुकेंगे नहीं। इसलिए आप में से हर एक की प्रायोरिटी में स्वच्छता जरूर होनी चाहिए। दूसरा विषय है डिजिटल पेमेंट्स। यूपीआई की सफलता के कारण भारत आज दुनिया की डिजिटल पेमेंट्स में 46% हिस्सेदारी रखता है। आप देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करें। अपने वीडियोज के माध्यम से आसान भाषा में उन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखाएं। और एक विषय है वोकल फॉर लोकल। हमारे देश में स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे स्थानीय कारीगरों की स्किल लाजवाब होती है। इन्हें भी आप अपने काम के जरिए प्रमोट कर सकते हैं।
भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में मदद कर सकते हैं। और मैं एक आग्रह और करूंगा, आप लोगों को भी प्रेरित कीजिए, इमोशनल अपील कीजिए कि जिस प्रोडक्ट में हमारी मिट्टी की सुगंध हो, जिस प्रोडक्ट में मेरे देश के किसी मजदूर का, किसी कारीगर का पसीना हो, हम वो चीज खरीदेंगे। चलिए, मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, बड़ा ही प्यारा मैसेज था पीएम मोदी का। सबसे बड़ी बात तो ये भाई, देश की साफ सफाई के आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह पे काम करते हैं, गांव हो या शहर, शहर जहां पर भी बंदा का आना जाना लगा रहता है, साफ सुथरा ही रखना जरूरी है। अगर सारे लोग यही मिशन लेकर चल पड़े तो भाई गंदगी कहीं रहती है। वो एक फिल्म नहीं, पंजाबी, इंडियन पंजाबी है, वो गुलकार भी है, सिंगर है लड़का, अरबी मान सिंह, उसने एक फिल्म में ये मिशन स्टार्ट किया था। वो देखा है कि वो लड़कों को बोला था कि आप सभी ने अपने अपने एरिया में सफाई करनी है, नालों की भी सफाई, बाजारों सड़कों की सफाई, हर चीज की। कहते वो गांव साफ हो गया, गांव साफ सुथरा हो गया। उसी तरह मतलब वो एक फिल्म थी, तो इन्होंने मोदी ने मतलब अपनी हुकूमत के दौर के अंदर ये बोला कि महिला जिस तरह औरतें कार्य की सफाई कर रही थी, नौजवान सफाई कर रहे थे, एक बड़ा नाम जब जुड़ जाता है ना साथ, तो भाई लोग देखो देखी वो काम करना शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े टंडोलकर जैसे मैंने देखा वीडियो में, टंडोलकर खुद इन कामों में लगे हुए थे, इतना बड़ा स्टार। मोदी की भी देखा था सफाई कर रहे हैं। एक जगह पे तो मैंने देखा था पीएम मोदी को, भाई कहीं पर ना कोई कागज का टुकड़ा गिरा हुआ था, और भी दूसरे कंट्री के भी लोग थे, तो इन्होंने झुक के वो कागज का टुकड़ा उठा लिया, दूसरों को नसीहत हो जाती है। तो इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं, इसका कद और बड़ा कि अपने मुल्क की सफाई में कितना सबसे आगे है। कहीं पर भी हो बंदा तो बिल्कुल सफाई करे तो दूसरों को भी सबक मिल जाता है, सबक मिल जाता है, क्योंकि वो कागज का टुकड़ा। भाई असल बात ये, जितनी ये बातें तीन चार सवाल मोदी ने किए हैं ना तारक, ये हकीकत में हमें सारे, हमें छोड़ के पूरे मुल्क को नहीं होना चाहिए। ऐसा निजाम होना चाहिए जिससे गंदगी नहीं फैलेगी, माहौल अच्छा होगा। और सबसे मोदी अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ सोच रहा है, हर लिहाज से मुल्क को आगे ले जाना चाहता है। हर जाने आगे तो तकरीबन वो निकल ही चुके किस्म के अकाली के दौर में, और कोई देख रहा नहीं, दूसरा तारक देख ला, कोई तारक देख ले उनकी, तो फिल्म इंडस्ट्री देख ले, कोई भी लगा ले यार, कोई कंपनियों का इन्वेस्टमेंट देख ले, हर जगह पे वो आगे जा रहे, निकल रहे हैं अपनी मेहनत के बल। जो मेन टॉपिक था ना वो ये था कि भाई चीजों को प्रमोट करना चाहिए, यूट्यूबरों के दरमियान, और भाई जो यूपीआई की बात की, साफ जरा के लोगों को पता ही नहीं होगा तो वो उसको उस सहूलत को इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यूपीआई या डिजिटल जो आज इंडिया बन रहा है, दुनिया की सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री ने ट्रांजेक्शन की है ऑनलाइन, वो इंडिया ही है, 46% कोई भी कंट्री इसके मुकाबले में नहीं है। और ये जो लफ्ज बोला गया ना मोदी ने, मतलब लास्ट पे बोला कि जिनमें मेरे मुल्क के बंदे, जिनका खून पसीने से चीज बनी उसको खरीदना, लोकल चीजों को खरीदना चाहिए। यकीन मान ले ये बहुत बड़ी अपने बहुत बड़ी बात है, मेरे मुल्क के बंदों का जिसमें मेहनत है, खून पसीना है, उनको तरजीह दी जाए ताकि वो हमारे मुल्क, उनकी मेहनत को उनको भी फल मिलेगा, हमारी इकोनॉमी में अपना पैसा घूम के अपनी इकोनॉमी में ही आएगा। भाई साहब आत्मनिर्भर बनना है तो ये चीज होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ये हमारे अंदर भी इस तरह का होना चाहिए, आवाम के अंदर, सरकार को छोड़ो, हमारे पास तो सरकार उजागर करेंगे तो आवाम के अंदर आगे। चलो उधर जो इधर एक दो प्लांट लगे हुए थे वो गाड़ियां बनाने वाले, वो भी भाई भाग गए, वो भी भाग, इधर तो टेलीनार वाले भी भाग रहे हैं, अमेज़न का वो भी चला गया, इधर शेल वाले हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर कंपनी, वो भी भाई जा रहे हैं। जब पूरा मुआवजे नहीं मिलता, जब गैस का बिल तुझसे लेंगे, बिजली का लेंगे, ना गैस मिलेगी ना बिजली मिलेगी, और टैक्स भी ऊपर आप 10 किस्म के लगा देंगे, तो फिर वो मजदूरों को क्या देंगे, खुद क्या कमाएंगे, कंपनी को बचत ही नहीं होगी, बचत ही नहीं होगी, तेरे सिक्योरिटी भी नहीं होगी, तू क्या कंपनी में काम करेगा।
इंडिया में सारा कुछ मिल रहा है तो भाई नहीं है भाई वो दिवाली के मौके पर एक दफा ऐसा हुआ था जब चाइना के साथ थोड़ा पंगा चल रहा था तो उस वक्त मिशन निकाला था कि चाइना की चीज जो है वो प्रोडक्ट नहीं आ, वो दिए जो इंडिया की चीजें खरीदनी है तो चाइना को उससे लॉस हुआ था जो ज्यादा उन्होंने चाइनी लड़ियां लेना खत्म कर दी ली नहीं उन्होंने इंडिया के हाथों के अंदर बने हुए दिए थे वो ही पूरे हिंदुस्तान में बने थे और दिवाली मनाई मतलब कितने करोड़ों जो पैसा था इंडिया का इंडिया में रह गया और जो एक दिन में 5 करोड़ के ऊपर वो जगह पे बता रहे थे जितना पैसा है सिर्फ इंडियों से वही तो भाई ये लोकल जो बंदे मजदूर हैं कंट्री के उनको काम मिला करने के लिए उनको पैसा मिला रोजगार मिला इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी भाई अगर लोकल चीजें खरीदेंगे तो बिल्कुल और काम कर रहा था फिर कोई बाहर भी जाना नहीं इंडिया के पास तो भाई अब वो चीज है कि अब वो बाहर से इतना चीजें ना भी खरीदे तो उनका काम चल सकता है वो खुद ही सारा कुछ काट रहे गाड़ी उधर मैन्युफैक्चर हो रही है बाहर से ऑडी शोडी या इस तरह की मंगाने की जरूरत नहीं जब वो खुद मेन इन इंडिया बना रहे हैं हर चीज बना रहा है ना भाई टॉप क्लास इंडिया को होगा तो यही फायदा है भाई साहब एक लोकल चीज है इस्तेमाल करें इससे कंट्री का फायदा होगा और जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बच जाएगा तो यार बड़ी अच्छी वीडियो लगी स्पीच देखी इस बंदे की यार सुकून के साथ वो बैठा है आस्ता आस्ता लफ्ज बोल रहा है उनको बता रहे हैं कोई चेहरे पे कुछ घबराहट नहीं इस बंदे की मुझे तो सबसे जो ज्यादा डायलॉग बेहतर लगा रहा है पूरी वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें और वो तो बनते ही है भाई वो तो बनते ही है तो बहुत सारे लोग भाई हमें भी देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो कर दें और बेल भी जिको की घंटी जो है वो भी दबा दें जरूर जरूर इतना बड़ा लीडर क्यों कह रहा है हम तो मोदी के दीवाने हैं मोदी के कामों के दीवाने हैं भाई हमारे द्वार हमारे मुल्क के अंदर भी इस तरह की सोच वाला वैसे मोदी के खिलाफ है खिलाफ किस तरह ही है ये। भाई उनके जो बंदा दुश्मन है ना अगर वो कोई अच्छा काम करता है उसको सराहना चाहिए ये हकीकत है अपने कंट्री के लिए तो अच्छा अपने मुल्क की मैं वही कह रहा हूँ जब से इंडिया में पहले भी प्राइम मिनिस्टर अच्छे थे वो भी हम बुरे नहीं कह सकते लेकिन जो इनको जब काम मिला इन्होंने उससे आगे बढ़ाया और 3-4 गुना तेजी से बढ़ाया और इंडिया को यहाँ से वहां लेके चले गए और तारीफ तो बनती है चाहे कोई मेरे मुल्क का मेरे खिलाफ बोले या ना बोले उसकी अपनी मर्जी भाई वो बंदा अच्छा कर रहा है अच्छे की तारीफ करनी चाहिए सही है विराट कोहली है वो अच्छा खेलता हमका विराट कोहली खिलाड़ी नहीं है नहीं, मेरे ना कर रहे उसकी कमी बहुत जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो अच्छा है वो अच्छा है तो ठीक है भाई जो पीएम मोदी के जो बातें थी उस पर थोड़ा सा आप भी गौर करें हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ हम भी इस तरह के स्टेप लें कुछ अच्छा हम भी कर सकते हैं लेकिन दो उसके हम थोड़ा सा अलग मुद्दे पे चल रहे हैं तो ठीक है भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मिलते रहेंगे तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह।